और आलमगीर आलम जो है पीठ पीछे जो है सो धोखा देने का काम कर रहे हैं। आगे बोलते कुछ है, करते कुछ है। ये बोले कि आप लोग आंदोलन मत करो, नियोजन नीति हम लोगों का बनेगा, लेकिन ये नियोजन नीति नहीं बना। हम यही कहेंगे कि एसटी एससी और जनरल भाइयों से विनती करेंगे हाथ जोड़ के कि यहाँ एक परीक्षा को लटकाने के लिए संवैधानिक नीति बनाया जा रहा है। जैसे 10वीं 12वीं था, 3 साल समय बर्बाद हुआ, अंततः परीक्षा नहीं हुआ। उसी प्रकार कोई न कोई इस रिजर्वेशन पॉलिसी जो असंवैधानिक है उस पर जो है कि कोई कोर्ट जाएंगे और ये पॉलिसी रद्द होगा और फिर से परीक्षा स्थगित होगी, हमारा समय का बर्बाद होगा। नियोजन नीति के खिलाफ छात्र झारखंड विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। इस वक्त हम बैरिकेडिंग के ठीक बीच में हैं। हमारे बाएं साइड आप देखिए कि हजारों की संख्या में छात्र हैं और ठीक दाहिने साइड भारी संख्या में पुलिस बल को लगाया गया है कि ताकि कहीं से कोई विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं हो, छात्र इस बैरिकेडिंग को तोड़कर जो है आगे नहीं बढ़ सके। यहाँ पर लगातार छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जो है वो छात्रों को संबोधित कर रहे हैं और सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा है, 60-40 न चलतो। नियोजन नीति के खिलाफ कई दिनों से लगातार छात्रों का ये आंदोलन जो है वो जारी है, लेकिन पिछले दिनों विधानसभा घेराव की घोषणा के बाद ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के साथ इनकी एक वार्ता हुई थी और उस वार्ता के बाद इन्होंने विधानसभा और मुख्यमंत्री आवास के घेराव के कार्यक्रम को रद्द कर दिया था, लेकिन आज फिर ये छात्र विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुँचे हैं। जबकि झारखंड विधानसभा का सत्र जो है अब सिर्फ एक दिन बचा हुआ है, अब देखना है कि क्या होता है। ये देखिए छात्र जो है अब इधर से उधर कुछ कर रहे हैं, यहाँ पर चूंकि पुलिस की बैरिकेडिंग है और वहाँ से जो भी गाड़ियाँ निकल रही है उसे रोका जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से राज्य भर से छात्र जो है पहुँचे हैं और पिछले एक घंटे से ये विधानसभा के पास जो है इनका ये आंदोलन लगातार चल रहा है। हमारे साथ छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो हैं। देवेंद्र जी, ये घेराव तो आप लोग कर लिए, क्या मैसेज देना चाह रहे थे सरकार? मैसेज मेरा स्पष्ट है कि 60-40 नहीं है बोल दिया गया और 60-40 के तहत विज्ञापन निकाला गया और उस विज्ञापन को पढ़ते हैं तो यही दिल दहल जाता है, थम जाता है, लगता है माइंड भी काम करना बंद हो जाता है। ये स्पष्ट हम कह देना चाहते हैं कि इस विज्ञापन से झारखंडियों का नौकरी नहीं होने वाला है। इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि हेमंत सोरेन के हकमार नियोजन नीति के कारण, और हम लोग समझ गए हैं कि यहाँ कितना धोखा दिया जा रहा है। एकदम यहाँ ऐसा नौकरी लग ही नहीं सकता, ये खाली राजनीतिक चमकाना है। और ओबीसी रोस्टर जो जिला स्तरीय रिजर्वेशन रोस्टर लाया गया है यह असंवैधानिक है। यह 7 जिला में ओबीसी का बहुत ज्यादा आबादी होने के बावजूद 0% कर दिया गया है। मतलब हम यही कहेंगे कि एसटी एससी और जनरल भाइयों से विनती करेंगे हाथ जोड़ के कि यहाँ एक परीक्षा को लटकाने के लिए असंवैधानिक नीति बनाया जा रहा है। जैसे 10वीं 12वीं था, 3 साल समय बर्बाद हुआ, अंततः परीक्षा नहीं हुआ। उसी प्रकार कोई न कोई इस रिजर्वेशन पॉलिसी जो असंवैधानिक है उस पर जो है कि कोई कोर्ट जाएंगे और ये पॉलिसी रद्द होगा और फिर से परीक्षा स्थगित होगी, हमारा समय का बर्बाद होगा। और यहाँ की भाषा संस्कृति रीति रिवाज जानने की जो परंपरा था, अनिवार्यता था, उसको भी खत्म कर दिया गया है। हम स्पष्ट करना चाहेंगे, ये मुख्यमंत्री महोदय, आज हम लोग कोई MLA MP या कोई डेलीगेट से बात करना नहीं चाहते हैं, हम लोग सीधे मुख्यमंत्री से बात करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री समस्या का जड़ है और यह राज्य भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर अबुआदी समुआ राज का सपना को लेकर के होता है, लेकिन आज राज गठन के उद्देश्य के विपरीत, शहीदों के सपनों के विपरीत, आंदोलनकारियों के अरमानों के विपरीत काम हो रहा है। यह बहुत दुर्भाग्य है, हम लोग भविष्य देख पा रहे हैं। इसलिए भारत के इतिहास में यह जो युवाओं का हुजूम देख रहे हैं, यह जन सैलाब जो देख रहे हैं, यह भारत का इतिहास में पहला है कि आह्वान का मात्र 4 घंटे के अंदर इतना बड़ा हुजूम जुटा है। और यह छात्रों का दुख तकलीफ दर्द है। आज हम लोग फैसला करना चाहते हैं, आज हम लोग फैसला करके ही जाएंगे। क्या
क्या आप, ये तो विधानसभा घेराव का कार्यक्रम था, घेराव तो आप लोग कर लिए, क्या लगता है कि सरकार तक गया है? हेमंत सोरेन से बात करना चाह रहा हूं। विधानसभा का घेराव करना था, हम लोगों ने विधानसभा घेराव किए और अपनी बातों को लोकतांत्रिक तरीके से सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और ये चीज जो अगर यदि माननीय मुख्यमंत्री महोदय नहीं सुनेंगे तो इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि ये झारखंड के मुख्यमंत्री को हम लोगों ने वोट दिया है, बाहरियों ने नहीं दिया है, तो बाहरी से प्रेम इतना क्यों हो गया? और आलमगीर आलम जो है पीठ पीछे जो है सो धोखा देने का काम कर रहे हैं, आगे बोलते कुछ है करते कुछ है। ये बोले कि आप लोग आंदोलन मत करो, नियोजन नीति हम लोगों का बनेगा, लेकिन ये नियोजन नीति नहीं बना, ये जो दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और आज विधानसभा का घेराव का कार्यक्रम किया गया था। TheFollowUp.in लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in